गीत अपनी तरफ से देने जा रहा हूं बड़े भैया को। आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय दादा सचिराज कमल जी के चरणों में बार बार नमन वंदन है। इस मंच के माध्यम से मैं आपसे पहले आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हाँ बेटे बिल्कुल आशीर्वाद प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज उस मुकाम पे नहीं है जहाँ होती थी, लेकिन फिर भी आपके चरणों में पहला गीत मैं देने जा रहा हूँ। और क्या दोनों तरफ और क्या माननीय सम्मानीय परमादरणीय श्री शेखर कोमल लखीमपुर भैया, हमारे शेखर कोमल भी जहां भी हो मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री महेंद्र पांडे जी कुंडा प्रतापगढ़, पता है लालबाग लखनऊ, और हमारे मनोहर आजाद जी लखनवी जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, श्री महेंद्र कुमार शुक्ला जी कीर्तन आयोजक हैं लालबाग लखनऊ, इन भाइयों की तरफ से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार चरणों की वंदना करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। चलते हैं प्यारी सी धुन को लेकर। कि नजराना साजन का प्यार, माध्यम से बहुत से दुपट्टे सुने होंगे। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, एक दुपट्टा तो ऐसा निकाला फिल्मी दुनिया वालों ने, वो दुपट्टा अगर हमारे देश में हमारी सेना के पास पहुंच जाए तो बारूद बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अरे रे 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 गोली मारे तेरा दुपट्टा, बस दुपट्टा लाई लो, हाथ में रख दो जो भी दिखे एक थोड़ा सा था क्या ले लो, चलो बेटा हल्कू, वाह हल्कू, हाँ हल्कू बहुत ढोलक के उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद बिल्कुल बउआ पांडे जी, वास्तव में जिनका कोई जोड़ नहीं है, इनकी तरफ से इस नाचीज को 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार महामाई से आशीर्वाद चाहूंगा, और बड़ा ही इनका सौभाग्य है, इन्होंने मेरे साथ में भी बजाया, मेरे गुरुजी के साथ में भी नाल का वादन किया, हमारे प्रातः मणिपूजपाद बाबा गुरु श्री दादा हरिकिशन शर्मा जी के साथ। क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर, परम सौभाग्य है आपका, और ऐसे लोग हम लोगों के बीच में है, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। तो सुनिएगा प्यारी सिद्धूर आपको दे रहा हूं। नजराना साजन का प्यार, टूटे तारे जिसमें हजार, तो लहराती जाए अलबेली नार, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, गीत में क्या है ये बात सुनिएगा। सुनिए आदरणीय हमारे बड़े भैया जी, सुनिएगा सुनिए। याद किया Yeah!
तभी तो हल्कू और बउआ, मतलब मेरे हिसाब से दोनों लोग हल्के हैं। हल्कू है जब ही तो बउआ है, बउआ है हल्कू, आज हल्कू है। हाँ बेटा इन्होंने श्री गणेश कर, लेकिन मेरी नजर में ये दोनों लोग बहुत बड़े हैं। नाम इनका भला है हल्कू है, नाम से हल्का मत समझना। ना बेटा ना, ये बार बार प्रणाम करता हूँ पंडित जी के चरणों में, सुनिएगा सुनिए। तो याद किया साजन का प्यार, होता वही जो लिखा लिलार, अरे आंखों से बहती है और आंखों से बहती है वही अशुधार। लेकिन वही कब कब कि देख मुंदरिया साजन की, ये बात ये देख मुंदरिया साजन की, बेटे। लेकिन वही किसके सुनिएगा, पहली बात दे रहा हूं। एक तो ठहरी, दोनों माइक कोरस के माइक थोड़ा बढ़ा दें, दोनों आवाज खींच रहे भाई साहब, धुन में जा रहे तो कुछ बनाइए, चिंता मत करो बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, कहने लगी शकुंतला एक बार सुन क्या सोच रही है, क्या बेटे कि एक तो ठहरी जाति से ना और तुझे कोख में पलता कुमार, क्या बात। एक तो मैं नारी हूँ, ऊपर से मेरे पेट में एक प्यारा सा बच्चा है, लेकिन निवेदन क्या कर रही है, क्या बड़े कि एक तो ठहरी जाति से ना तुझे कोख में पलता कुमार, भूले गए हैं कौन सुनेगा मेरे दिल की पुकार। ये बड़ा दर्द का विषय है कि जिसका गर्भ मेरे गर्भ में है, जिसका बच्चा मेरे गर्भ में है, वही मुझको भूल गया कि आखिर ये बच्चा है किसका। लेकिन रो कब रही है सुने, अरे उस पर भी साजन ये भूल गए हैं कौन सुनेगा अब मेरी पुकार, फिर बंधेरा ये फिर बंधेरा रोए बार बार, देख मुंदरिया साजन के। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। वो मुंदरिया देखती है बार बार, शकुंतला दुष्यंत की मुंदरिया देख रही है, और इस जब मुंदरी को देख लेती है तब ही रोने लगती है। क्या बात, धीरे बंधेना धीरे बंधेना रोए बार बार, देख मुंदरिया साजन की, ये तो पहली मुंदरिया रही।
जब साजन की मुंदरी देखी तो रोने लगी शकुंतला। अब दूसरी बात सुनेगा, सुनिए। लंकापुरी जब गए हनुमान, राजेंद्र मनमौजी जी की तरफ से हेलो हेलो 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनिए, जय हो, सुनिए। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो देखिए हुआ क्या। लंकापुरी जब गए हनुमान तो देखा वहां पर सीता कहा, लाल चंद्र वो दुख सह सके ना और तीन अंगूठी धरनी तेरा, और जब डाल दी अंगूठी तो माता सीता के सम्मुख जब अंगूठी आई तो देखे हुआ क्या। माता की आंखों से ये माता की आंखों से, अरे माता की आंखों से बहे अश्रुधारा, लेकिन कहती कब कब ये देख मुंदरिया साजन की, देख मुंदरिया साजन की, देखिएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था जो एक वैश्या से प्रेम करता था। देखिए हुआ क्या, क्या हुआ। उस वैश्या ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे कोई गुप्त में प्यारी सी निशानी दीजिए। जब ऐसा देखा उस लड़के ने कि ये बिना गिफ्ट के मान ही नहीं रही है, देखिए उसने किया क्या। क्या है कि माँ की अंगूठी बैस्या के ये माँ की अंगूठी बैस्या के सोते में बेटे ने लीनी उतार, सोते समय माता रानी की उंगली से वो अंगूठी खींच लेता है बेटा जो कि प्रेम में पागल था, उस अंगूठी को लेके जाता है बैस्या को दे देता है और बैस्या उस अंगूठी को गिरवी रख देती है, और जब गिरवी रख देती है तो पिता जो था उस बच्चे का उसका और स्वर्णकार का व्यवहार था। तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ। देखी अंगूठी तो चीनी पिता ने, अंगूठी जो ही देखी उस स्वर्णकार के पास पिता पहचान गया ये तो मेरे घर की अंगूठी, तो देखे अंगूठी ओ चीनी पिता ने और कीमत चुका कर लाया निकाल। और जब निकाल लाया वहां पे माता बिलख रही थी कि मेरी अंगूठी गई तो गई कहां। तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ बेटे।
माता की आंखों से, माता की आंखों से, माता की आंखों से बहे अश्रुधारा, देख मुंदरिया साजन की, देख मुंदरिया साजन की, देख मुंदरिया भाई मुकेश मृदुल जी। और मैं सभी कीर्तन प्रेमियों से निवेदन करता हूँ, कितनी खामोशी के साथ अगर कार्यक्रम सुनोगे तो बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप कीर्तन नहीं सुन रहे हो, गरुड़ पुराण सुन रहे हो। तो थोड़ा सा तालियां मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ कि तालियां बजाओ, हो सकता है कुछ लोगों के हाथ दूसरों की जेब में फंसे हो तो तालियां, अच्छा कान खोल के भी काफी लोग नहीं सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा मन है कि एक बार मुकेश मृदुल के सम्मान में खुल के तालियां आ जाए, ताकि ये लगे हम कलाकारों को तालियां टानी का काम करती हैं। और इस तरह से दूरी बना के सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे गांव में एक रामलाल काका थे, तो एक दिन मैं जा रहा था तो देखा रामलाल काका हुक्का पी रहे थे। मैंने देखा कि उनके हुक्के से जो नली लगाए के पी रहे थे वो 5 मीटर दूर थी। हमने रामलाल काका से कहा, काका ये बताओ आप हुक्का पी रहे हो 5 मीटर दूर से नली से पी रहे हो। कहें बेटा ऐसा है, धुआं धक्कड़ नशा पत्ती से जितने दूर रहो उतने अच्छा है। तो यहाँ मतलब नहीं है, कलाकारों की कला से आप जुड़े रहे। और यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि सभी कीर्तन के अथाह सागर में गोते लगाने वाले प्रबुद्ध श्रोता हैं, काफी दूर दूर से, लखनऊ से, कानपुर से, हाथरस से, यानी पूरे देश से यहाँ पे कीर्तन सुनने आए हैं लोग। भाई मुकेश मृदुल जी ने बहुत अच्छा सवाल जवाब जो एक प्रश्न गीत गाया, उसके पहले कुछ ऐसा कह रहे थे कि सुमन चाहते हैं, चमन चाहते हैं, तो 4 पंक्तियां भाई मैं मुकेश मृदुल जी के, लेकिन आजकल के लड़के यही सब चाहते हैं। मैं वहां जा रहा था एक कार्यक्रम, एक लड़का 10 साल का लड़का सिगरेट पी रहा था, धुआं के छल्ले उछाल रहा था और गा रहा था जब हम जमा होंगे। हमने कहा बेटा सुन, जब तू जमा होंगे सीधे वहां होंगे। 10 साल का लड़का सिगरेट पिएगा तो क्या होगा। तो मैं 4 पंक्तियां भाई मुकेश मृदुल जी के सम्मान पे पढ़ता हूँ, सुमन चाहते हैं, चमन चाहते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुमन पर मरो, चमन पर मरो, सुमन पर मरो, चमन पर मरो, धरा पर मरो, गगन पर मरो, और अधर पर मरो, नयन पर मरो, और तन पर तो मर चुके अब वतन पर मरो। तो ये कहने का मतलब हमारा प्रेम, हमारा अट्रैक्शन इस शरीर से निकल करके राष्ट्र की ओर हो, विश्व मंगल की कामना से हम जुड़े, ऐसा होना चाहिए। प्रश्न गीत में आपने बहुत अच्छी बात कही, यार तुम भी हल्के हो हम भी हल्के हैं, इतनी वजन माला ना पहनाओ कि हम गिर पड़े। बहुत अच्छा है, धन्यवाद भाई हमारे आदित्य भैया जी, बहुत अच्छा लगा। अभी मुदरी का और अंगूठी का प्रसंग बहुत अच्छा लिया, मुझे याद आता है अभी दुपट्टे की बात की। फिल्मी गानों को तो जाने दो, ऐसे ऐसे गाने चले हैं कि अंखियों से गोली मारे। हम कहा जब अंखियों से गोली मारे तो फौज क्या करेगी, इन्हीं को भेज दो, युद्ध की कोई जरूरत नहीं, जब अंखियों से ही गोली मारना है तो कोई मतलब नहीं। मुदरी की बात आई तो हमने ध्यान से देखा तो हमारे मुकेश मृदुल जी भी एक अंगूठी पहने हुए हैं। हमने पूछा कि भैया मुकेश मृदुल जी अंगूठी कितने की, कहें ये अंगूठी है 57,290 रुपये। हमने कहा बाप रे बाप इतनी महंगी अंगूठी, अभी 2 साल से तो कीर्तन गा रहे हो, इतना पैसा कहाँ से तुमने अर्न कर लिया। बोले ऐसा है, हमने कहा इस अंगूठी में जरूर कोई ना कोई रत्न होगा, हीरा है, कौन सा जवाहर है, सोना है, चांदी है, पुखराज है, क्या है इस अंगूठी में। बोले ऐसा है मधु, हमारे पेट में पथरी हो गई थी
तो उसका ऑपरेशन कराया तो उस पथरी को हमने अंगूठी में जड़वा लिया और 57,000 रुपया तो ऑपरेशन में लगा, बाकी अंगूठी तो 290 रुपये की। तो जोर था तालियां बजाइए। ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और जब कभी कभी एक क्लासिकल गाते तो लगता है कि भीमसेन की आत्मा इनमें प्रवेश कर गई। एक दिन मैंने मुकेश मृदुल से ऐसे सहजता में पूछ लिया, हमने कहा मुकेश मृदुल जी आप तो बहुत अच्छा गाते हो, क्या आपके पिताजी भी गाते थे? बोले हाँ। हमने कहा उनके भी पिताजी गाते थे? बोले हाँ। हमने कहा उनके भी पिताजी गाते थे? बोले हाँ। कहें ये बताओ तुम इतना काहे दूर तक जा रहे हो? हमने कहा हम जानना चाहते कि तुम्हारे खानदान में बेवकूफी जड़ें कहाँ तक फैली। तो जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। सब हमारे सब मात्र शक्तियां पे बैठी हुई हैं, बहुत अच्छे ढंग से। थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। आज के टेंशन भरे युग में किसी को हंसा देना बहुत कठिन काम है। और आज के दौर में धन्यवाद सर, आपके खानदान में ऐसा कुछ तो नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये। हाँ सुनील तिवारी जी हैं आदरणीय। हालांकि तिवारी जी एक हमारे बुंदेलखंड से भी आए हुए हैं, वो भी बुंदेलखंड से। अच्छा ये उत्तराखंड, ये बुंदेलखंड, हमें बीच में झारखंड। तो थोड़ा सा मामला हम चाहते हैं कि अच्छा रहे। आप लोग थोड़ा सा खुल के मस्ती के साथ कार्यक्रम सुनिए। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आज के युग में वाजपेयी जी आपको भी प्रणाम है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कई बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के लिए जैसे कीर्तन हमारे लिए संचालन तो अच्छा है, अब कीर्तन गाने वाले में हमको दिक्कत है, सांस खींच दिया न लौटे, तो इसलिए हम कीर्तन उर्तन नहीं गाते, सीधा जो है हम संचालन करते हैं। अच्छा कभी कभी यह होता है कि किसी काम की नकल करो तो नकल करने में भी अकल चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक 90 साल के बुजुर्ग बुढ़ऊ टीवी में बाबा रामदेव का योग देख रहे थे, बाबा रामदेव प्राणायाम अनुलोम विलोम सिखा रहे थे, 90 साल के बुढ़ऊ टीवी देख रहे थे। बाबा ने कहा सांस खींचो, बुढ़ऊ ने खींचा, बाबा ने कहा और खींचो, लाइट चली गई, भगवान ने उन्हीं को खींच लिया। तो कहने का मतलब ये है कि नकल करो तो उसमें भी अकल होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। भाई मुकेश मृदुल जी आप मेरा नाम लेने को भूल गए हो गुरु। हाँ कई पतिव्रता स्त्रियां कोई दोयोग नाम नहीं लेती हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मेरा नाम कोई न ले। अच्छा हाँ नाम थोड़ा सा, मेरा नाम तो मधुब श्रीवास्तव था लेकिन अब लोग नरकंकाल के नाम से जानते हैं। अच्छा है नरकंकाल बिजली विभाग वालों की कृपा है, बिजली विभाग के एक इंजीनियर ने हमको बिजली विभाग में नौकरी दिया। हमने कहा काम क्या करना? बोले गीले तारों में पोछा मारना। तो अब मधुप अगर गीले तारों में पोछा मारेगा तो नरकंकाल हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ काम आते हो तो खुशियाँ आ जाती, चेहरों पे मुस्कान आ जाती। मैं बताऊं हमारे गांव में जब पहली बार बिजली लग रही थी तो पूरा गांव खुश था, ढोल नगाड़े कीर्तन गा रहे थे, लोग नाच रहे थे, हमने देखा कुत्ते भी नाच रहे थे। हमने कुत्तों से कहा ससुरों तुम काहे नाच रहे हो, बिजली तो हमारे गाँव में लग रही है। कुत्तों ने कहा खंभे तो गड़ेंगे, समझ रहे हो, तो तालियां बजाओ। तो अपना अपना आनंद है, अपना अपना टेस्ट है, लोग अपने अपने आनंद है। हाँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, ये सभी लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, नहीं नहीं कुत्तों की बात आती तो कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता किसकी बात। अभी मैं आया तो यहाँ पे एक आदमी आया शुक्लागंज का, उसने हमसे कहा मधुप तैर लेते हो? हम कहा हम तो नहीं तैर पाते। तो उसने कहा धिक्कार है तुमसे, तो अच्छे कुत्ते हैं जो तैर लेते हैं। तो हमने कहा आप तैर लेते हो? तो उसने कहा हाँ। तो हम कहा तुम में कुत्ते में फर्क है का? जब दोनों लोग तैर लेते हो तो क्या फर्क है? नहीं नहीं ये हम किसी को विशेष रूप से कह भी नहीं सकते। आज इतना प्रतिबंधित हूँ, आज संचालन करना बहुत कठिन है, आज का संचालन करना उसी प्रकार कठिन है जैसे बाबा रामदेव का तालिबान में इलेक्शन लड़ना। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उन विषयों से बचा जाए, चूँकि ये धार्मिक मंच है, पूरी तरह से उससे भी स्वायत्तता के साथ हम लोग भी कार्यक्रम दे सकते हैं, कर सकते हैं।
बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्रसन्न रहे। टेंशन देना बहुत आजकल हर आदमी टेंशन में। अभी मैं आया तो स्टेशन पे एक आदमी बहुत उदास बैठा था, बहुत उदास बैठा था। हमने कहा भैया तुम काहे टेंशन में हो, क्या कोई मुकदमा हार गए या जुआ में आपका धन चला गया है या आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई। उसने कहा भैया मैं टेंशन बहुत है हमको। हमने कहा क्या टेंशन है। उसने कहा कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे समाज में क्या है, एकता के नाम पर क्या चार लोग तभी एक साथ एक दिशा में चलते जब पांचवा कंधे पर हो। तो उसने कहा कि मैं टेंशन इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ जब कोई अर्थी जाती तो चार लोगों की जरूरत पड़ती, लेकिन सोच रहा हूँ कि जब आखिरी व्यक्ति मरेगा तो उसको कौन ले जाएगा, यही टेंशन हमको खाया जा रहा है। भाई साहब आ गए, अच्छा पहले से आ रहा हूं मैं। तो चलिए एक बार तालियां बजाइए। मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहता हूं। खींच लो भैया, उसे नेगेटिव आएगी, डिजिटल कैमरे में भी निगेटिव आती। अच्छा ये जो कैमरा मैन होते हैं ये बचपन से ही दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है इनकी। तो अच्छा हम तो बहुत डरते फोटो वोटो खिंचवाने से। एक बार एक पत्रकार ने हमारी फोटो खींच लिया, पेपर में छपी, पेपर रद्दी में बेचा गया, हलवाई ने जलेबी तौली, आदमी ने जलेबी खाई नीचे फेंक दिया, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था। तो हमने कहा ये फोटो खिंचवाना तो बहुत खतरनाक काम है और ये कैमरा मैन तो इतने होशियार होते हैं, अब देखो इस तरह से खींच रहे, इतना तो मतलब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर रहा था जितने तल्लीनता। अच्छा ये बड़ा गड़बड़ भी करते हैं, ये फोटो खींचते हैं तो पता लगे सर हमारा लगा दिया, धड़ मल्लिका शेरावत का लगा दिया, कपड़े वो उतार रही, बेइज्जती हमारी हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आप लोग इसी तरह मस्ती में डूबे, पूरे कार्यक्रम में आपके चेहरों पर कहीं शिकन ना आने पाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। पूरे मस्ती के साथ आप आज की रात जो दादा हरकिशन जी की पावन स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है उनको नमन कर रहे हैं, उनकी आत्मा जिस भी पूर्ण लोक में विचरण कर रही होगी आज के इस जनमानस को देख के कितना प्रसन्न हो रही, मैं बधाई करता हूँ भाई। ये आज के जो किशन कीर्तन परिवार है, भाई राहुल भाई को, आदित्य जो है इनको, पूज्य माता जी को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत अच्छे आप श्रोता हैं, इतनी ठंड में भी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। आइए मैं रायबरेली जनपद की वो कीर्तन पार्टी, चूंकि मैं भी रायबरेली को हूं तो यही कहोगे कि मक्खनबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ससराज क्या है, कि आप अजी आप क्या है ये हम जानते हैं, ये भली बात है कि आप लोग कम जानते हैं, लेकिन कीर्तन जगत में जो आपने परचम फहराया है, एक बार जोरदार तालियां। मैं आवाहन करता हूँ भाई ससराज कमल एंड पार्टी फ्रॉम रायबरेली। लाल दुपट्टा मलमल का की दिया ने याद किया साजन का प्यार होता वही जो लिखा हो लीलार आंखों से बहती है अश्रुधा एक मुंदरिया साजन। बस मामला यही पर आपने छोड़ दिया, होशियारी से वार करते हैं गुरु आपका छोटा हाथी। कथानक को आपने पूर्ण नहीं किया,
जवाब के लिए जगह बहुत सी है, हम जवाब ला सकते थे कि देख पहलिया सजनी जी। मुकेश जी आदत नहीं है कि प्रसंग आपने आधा गाया उसको पूरा करना चाहिए, और क्या आपने वियोग दिखाया है और वियोग का जवाब संयोग से होता है। पहला प्रयास कर रहा हूं, मुदरी शकुंतला की उंगली से फिसल कर नदी के जल में गिर गई। जब शकुंतला पहुंची कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है, दुष्यंत ने कहा कौन पत्नी कौन पुत्र, अगर मेरी पत्नी हो तो मेरी निशानी दिखाओ, दिखाओ। नहीं मिली, महाराज ने पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला क्या बात, बिंदनगर से बाके पेंटर 51 एक श्री राजेंद्र यादव जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सोमवती यादव जी, आप द्वारा एक पुरस्कार मिला है। परमात्मा चाटी का माइक बदल दे, आप पति पत्नी का जोड़ा बनाए रखें। ठीक 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 ठीक। कुछ समय बाद उस मुंदरी को एक मछली निकल गई, एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ी, उसको बाजार में बेचा, खरीदने वाला कोई और नहीं था, महाराज दुष्यंत का रसोइया। अब रसोई में उस मछली का भोजन बनना है, मछली को काटा गया और जब मछली को काटा तो मछली के पेट के अंदर वही कीमती अंगूठी मिल रही है। रसोइये ने वो मुद्रिका पहुंचाई महाराज दुष्यंत के पास कि महाराज मछली के पेट से अंगूठी मिली है, ये मुद्री मिली है। और जैसे ही मुद्रिका को महाराज दुष्यंत ने देखा तो उनको याद आ गई शकुंतला, बस वहीं से जवाब सुनिए कि मुद्री मिलने का है आधार। जैसे ही मुद्रिका को देखा महाराज दुष्यंत ने तो द्रगों से खुशी की बही अश्रुधार, मिलाती मुंदरिया साजन से, मिलाती मुंदरिया साजन से। लीला प्रभु की कितनी अपार, गिमी में उतर जब तीना है फार,
आंसुओं की हुई बौछार, मिलाती मुंदरिया साजन कि क्या मुद्रा को पुरस्कार इस दीवार पर भैया खुशी राम बाटले जी लखनऊ और क्या मुद्रा का पुरस्कार जिन्होंने इस जवाब को लिखा है पर भैया श्री राम सजीवन पाल अपना बाबा रायबरेली दो सौ एक मुद्राओं का पुरस्कार राष्ट्रीय मन संचालक भाई शैलेंद्र त्रिवेदी जी बार कोट मोहन ने मेठी एक मुंदरी और देखिए थोड़े कल बोलना आपने माता जानकी की बात की है ये मृदुल जी एक सवाल उठता है कि निशानी में प्रभु राम कुछ और भी भेज सकते थे आखिर मुद्रिका ही प्रभु राम ने हनुमान जी के द्वारा सीता के पास क्यों भेजी कारण था कि वो मुंदरी जहां भी रहती थी वहीं पर विनाश का कारण बनती थी शेषनाग के द्वारा जनक सुनैना के विवाह में जनक राज सुनैना को मिली और जब जनक को मुंदरी आई तो भीषण अकाल पड़ा सीता का विवाह हुआ जनकपुर से मुद्रिका आ गई अयोध्या अयोध्या में महाराज दशरथ का मरण हुआ राम का वनवास हुआ प्रभु राम ने केवट को देना चाहा लेकिन केवट जानता था मुद्रिका लेने से मना कर दिया वही मुद्रिका प्रभु राम ने लंका भेज दी और लंका से चूड़ामणि को मंगा लिया मामला ये है रावण के विनाश का एक कारण मुद्रिका भी थी समझो तुम मुंदरी में थी एक मुंदरी में एक बात थी खास राम को उसका था एहसास दशरथ कुमार लाती मुंदरिया साजन विशेष पुरस्कार श्री सुरेश कुमार साहू बाबा जी श्री अतुल कुमार सोनकर श्री लखा पहलवान जी श्री लाला गुप्ता जी सौरभ सोनकर जी सिंचाई विभाग कर्नेलगंज खटकाना कानपुर आपका योगदान है एक एक
श्री गंगा सागर यादव जी प्रधानाचार्य डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज शुक्लागंज आप द्वारा इस जवाब पर ये पुरस्कार मिला है। धन्यवाद। उत्तम उमंग एक पुष्पहार एक से प्राय उत्तम उमंग अच्छे कीर्तनकार आपके द्वारा प्रदान है। पीएम के जी ये छोटा सा प्रयास रहा, अब अपनी तरफ से भी एक छोटा सा गीत दे रहा हूं।